हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक रॉकी भाई। आज हम बताएंगे कि चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। तो कैसे करते हैं उसको हम बताते हैं आपको लाइव मोनेटाइज करके। तो सबसे पहले आपको अपना चैनल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना चैनल यहां पर ओपन करेंगे यूट्यूब स्टूडियो में, उसके बाद वहाँ पर आपको ऊपर में शो करेगा अप्लाई नो, ब्लू कलर का जो कि शो करेगा अप्लाई नो। तो उस पर क्लिक करना, सिंपली आपको अप्लाई नो पर क्लिक करना। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर शो करेगा अर्न ऑन यूट्यूब। तो उसके बाद उसके नीचे में तीन स्टेप आपको दिया हुआ होगा, रिव्यू बेस्ट टर्म्स स्टेप वन, देन स्टेप टू है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, एंड स्टेप थ्री है गेट रिव्यूड। तो सबसे पहले हम स्टेप वन को कम्प्लीट करते हैं, देन हम जो है कि स्टेप टू एंड स्टेप थर्ड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टेप वन कम्प्लीट होगा, उसके बाद ही जो कि आपका स्टेप टू कंप्लीट होगा, क्योंकि यह तीनों जो है कि एक दूसरे से लिंकेड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना, मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन जो है कि यहाँ पर आपको रीड कर लेना है, एंड आपको लास्ट में जाके नीचे में स्क्रॉल करते हुए एक बॉक्स मिलेगा आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ देखने के लिए राइट साइड कॉर्नर पर मिलेगा कैंसल एंड एक्सेप्ट टर्म। तो आपको एक्सेप्ट टर्म सब क्लिक कर देना, मैंने एक्सेप्ट टर्म सब क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो है कि एक्सेप्ट टर्म सब क्लिक करने के बाद यह जो है कि मेरा स्टेप वन डन हो चुका है। अब स्टेप टू पर जो है कि यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ चुका है। सो अब हम स्टेप टू को ऑन करते हैं। तो अब हम स्टेप टू पर स्टार्ट का जो बटन आ चुका है उस पर हम क्लिक करेंगे। सो मैंने स्टेप टू पर क्लिक किया। तो हमने स्टेप टू पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया, स्टेप टू यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इस स्टेप को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है कि रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके चैनल पर। डू यू Have an exciting AdSense account? Select. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि क्या आपके पास कोई अकाउंट है, एंड यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है ऑप्शन Yes, I have an exciting account. And number two, No, I don't have an exciting account. दूसरा I don't know. तो यहाँ पर जो है कि आपके पास अगर यदि पहले से कोई भी एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप एक नंबर पर क्लिक करेंगे, अगर यदि आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ है एडसेंस का तो आप दो नंबर पर क्लिक करेंगे। तो हम फाइनली यहाँ पर दो नंबर पर भी क्लिक करेंगे, नो आई डोंट हैव एन एग्जाइटिंग अकाउंट, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ और जो है कि आ चुका है, ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन चूज द गूगल अकाउंट You want to create an AdSense account with. You will be redirected to AdSense to create the new account once you are done. You will redirected back to YouTube. जैसे ही आपका यहाँ से अकाउंट AdSense का क्रिएट हो जाएगा तो आपको जो है कि रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके चैनल पर। सो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो हमको यहाँ पर अपना जीमेल पर लेकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप जो है कि अपना ईमेल का अकाउंट जो है कि चूज़ कर सकते हैं जो आपका चैनल है। सो मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट चूज़ कर लिया। सो अब जो है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडसेंस के लिए आ चुका गूगल एडसेंस साइन अप। सो मेरा यहाँ पर आ चुका योर वेबसाइट, यहाँ पर जो भी आपका चैनल होगा वो वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर http://www.youtube.com/channel.yukotvgms। सो आपका यहाँ पर चैनल का वेबसाइट आ जाएगा। अब उसके नीचे में आपको यहाँ पर देखना है गेट मोर आउट ऑफ एडसन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम आपको बता रहे हैं। सो यहाँ पर जो है कि YouTube के तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन के लिए आपको मिलता रहेगा। सो यहाँ पर या फिर कुछ भी हो तो यह जो है कि आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है या आपसे परमिशन मांग रहा है। सो आपको यस कर देना है ऊपर में, सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन। सो मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद उसके नीचे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सेलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी, यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आप जिस भी कंट्री से हैं
तो हम इंडिया से है तो हम यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पर दिखाएगा आपको एक बॉक्स रहेगा, यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इस बॉक्स में आपको क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। बट अगर यदि आप इस टर्म एंड कंडीशन को रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लें, हम फिलहाल इसे स्किप करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इस पर हमने क्लिक किया एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया। सो मैंने क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो कि प्रोसेसिंग हो रहा है एंड जो है कि यहाँ पर गूगल एडसेंस का जो लोगो है वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। एंड अभी जो है कि काफ़ी सारे जो कि आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, एड्रेस, पैन कार्ड काफ़ी सारे। एंड हाँ, आप जो है कि तभी ये एडसेंस बना सकते हैं जब आप 18 ईयर्स प्लस हो, या फिर अगर यदि आप 18 ईयर्स प्लस नहीं है या 18 ईयर्स नहीं हुआ है आपका, तो आप अपने पेरेंट के नाम से अपना गूगल एडसेंस बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर आ चुका है फॉर्म फिल करने के लिए। अब हम आपको इसे फॉर्म, तो अब हम आप जल्दी से अपना यह फॉर्म फिल कर लेते हैं, देन आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। सो गाइज, मैंने जो है कि फाइनली अपना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल कर दिया है एंड यहाँ पर स्टेप टू को प्रोग्रेस में डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टेप टू इन प्रोग्रेस। सो मेरा स्टेप टू इन प्रोग्रेस में है। यहाँ उसके नीचे आप देख सकते हैं 2 to 3 weeks लग सकता है, बट ऐसा नहीं, 12 से 24 घंटा या 24 से 48 घंटा में जो कि यह स्टेप टू कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टेप थर्ड जो है कि हम आपको बताते हैं, जैसे ही मेरा स्टेप टू कंप्लीट होता है देन तुरंत ही आपको हम बताते हैं स्टेप थर्ड में क्या करना है। ओके, एंड उसके बाद हम बताते हैं और क्या करना है। जैसे मोनिटाइज हो जाएगा उसके बाद आपको अपना वीडियो को भी मोनिटाइज करना होता है, उसका इनेबल करना होता है मोनिटाइजेशन, तभी आपके वीडियो पर अर्निंग स्टार्ट होगा। तब तक वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले कि कैसे मोनिटाइज किया जाता है अपना चैनल।